क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट नंबर 7 हम कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म? हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विलयन है। विलयन को बनाते हैं हम विलय प्लस विलायक से। विलयन को क्या बनाते हैं? विलय प्लस विलायक से, ठीक है। हम क्या करते हैं, विलायक के अंदर विलय को डाल देते हैं और क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो विलयन है और जो विलयन है, विलयन के बेभौतिक गुण, विलयन के बेभौतिक गुण जो विलय की, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, प्रकृति पर नहीं। वो क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो हमने क्या किया, विलय को विलायक के अंदर डाला, विलयन बना लिया। तो विलयन के वो भौतिक गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे और किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं हम। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर का मतलब है कि हमारे पास जो विलायक है उसके अंदर विलय पदार्थ कितना घुल रहा है, विलय पदार्थ कितना घुल रहा है और क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। तो इसलिए विलय के जो कण कितने होंगे उस पर निर्भर करेगी। तो इसे का क्या कहा जाएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं और उन 4ों को हम डिटेल में करेंगे, उनके डेरिवेशन भी करेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे और उससे संबंधित या उसको ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं वो भी करेंगे। तो हमारे जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो हैं वो देखिए, पहला आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अमन्मन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अमन्मन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अमन्मन पहला अणुसंख्यक गुणधर्म। दूसरा आता है कवथनाक उनियन। दूसरा जो है वो क्या है, कवथनाक उनियन। तीसरा जो आता है वो है हिमांक अमनमन, हिमांक अमनमन। और चौथा है प्रासरण दाब। ये जो 4 जो होते हैं वो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ये जो 4 होते हैं वो क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, जिसके अंदर विलय के कणों की संख्या पर निर्भरता होती है। तो ये 4ों हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अमन्मन करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, इस पर संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसके मेथड को भी पढ़ेंगे। ये 3 बाद में करेंगे। तो सबसे पहला आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अमन्मन का मतलब कमी आना। वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, कवथनाक उनियन यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि होना, हिमांक अमन्मन टेम्परेचर में कमी आना और प्रासरण दाब, ये 4ों करेंगे। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अमन्मन का मतलब हमारे पास ए और बी 2 अवयव हैं, ठीक है। ए जो है वो तो किसको शो कर रहा है, विलय को शो कर रहा है, और बी जो है वो किसको शो कर रहा है, विलायक को शो कर रहा है। हमने इन दोनों को मिला दिया और क्या प्राप्त हो गया, विलयन प्राप्त हो गया। जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या होता है, पी पी, और सॉल्यूशन बना रहे हैं इसलिए इसको किससे शो करेंगे, पी एस से शो करेंगे। और जो विलायक है, विलायक के वाष्प दाब की बात करेंगे तो विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब को पी से नोट करेंगे, बी के लिए है तो पी बी नोट से शो कर देंगे, ए के लिए आ जाएगा तो पी ए नोट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, विलय को विलायक में डाल दिया। तो डालने के पश्चात एक तो हमारे पास शुद्ध, पहले जैसे मान लो हम विलायक क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, ठीक है, इसका वाष्प दाब पी बी नोट है,
ठीक है, अभी लाइक है हमारे पास। अब हमने क्या किया, इस वाटर के अंदर क्या डाल दी, चीनी डाल दी, और यहाँ पर क्या बन गया, विलयन बन गया, और उसका वाष्प दाब जो हो गया वो पीएस हो गया। तो पहले जल का वाष्प दाब जो होता है वो अधिक होता है, जब इसके अंदर चीनी डाल दी जाती है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसका नाम होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी विलाय के अंदर विद्युत अनपगट्य या फिर अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोल दिया जाए तो विलयन विलाय का जो वाष्प दाब है, या फिर अपने कह सकते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलाय के वाष्प दाब से कम हो जाता है, यानी कि विलाय का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलाय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी कि विलाय की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वाष्प दाब में उतनी ही कमी आएगी। तो पी एस जो होता है वो समानुपाती होता है एक्स बी के, किसके, एक्स बी के, क्योंकि यहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं, इसके लिए अगर मोल अंश लेंगे तो एक्स ए हो जाएगा और इसके लिए लेंगे तो एक्स बी हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए मोल लेंगे तो एन ए हो जाएगा और इसके लिए मोल लेंगे तो एन ए बी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो जो विलयन होता है, उस विलयन जो होता है या विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलाय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी एस समानुपाती क्या हो जाता है, एक्स बी, ठीक है। तो पी एस समानुपाती का निशान हटाएंगे तो पी बी नोट एक्स बी आ जाएगा। यहाँ पर पी एस पहले भी लिख चुके हैं हम, विलयन का वाष्प दाब है, क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। और पी बी नोट जो है वो क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। और जो एक्स बी है वो क्या है, विलायक की मोल भिन्न है, विलायक की मोल भिन्न है, या मोल अंश बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है, और इक्वेशन नंबर एक मान लें। अब एक्स ए प्लस एक्स बी, जब दो अवयवों की मोल भिन्न जो होती है उनका टोटल हमेशा ही एक के बराबर होता है। अगर हम एक्स बी को ज्ञात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी, यानी कि एक में से एक्स ए हम क्या करेंगे, अगर एक में से एक्स बी, एक में से एक्स ए को घटाएंगे तो एक्स बी ज्ञात हो जाएगा। इस एक्स बी का मान इस इक्वेशन एक के अंदर रख सकते हैं, तो यह आ जाएगा पी एस बराबर पी बी नोट, यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस एक्स ए, यह आ जाएगा। फिर पी एस बराबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी नोट माइनस पी बी नोट एक्स ए, यह आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने क्या करते हैं, पी बी नोट एक्स ए को इधर लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और इधर पी बी नोट माइनस क्या जाएगा, पी एस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पी बी नोट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी बी नोट एक्स ए, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये आ जाएगा पी बी नोट बराबर क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, दो आ गई। अब देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अमनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अमनमन, और वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अमनमन होता है उसको डेल्टा पी से नोट किया जाता है। हमारा जो विलाय का वाष्प दाब है उसका मान अधिक होता है, ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। जब विलाय में से विलयन का घटाएंगे तो उन दोनों के बीच में कितना मनमन आया है वो ज्ञात हो सकता है। तो इक्वेशन दो के अंदर डेल्टा पी बटा में पी बी नोट पी एस, ये पी बी नोट बराबर एक्स ए, ये भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं
क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो कई बार तो क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दिया दाब दे दिया जाता है, तब तो इसको काम में लेते हैं, और कई बार सीधा ही वाष्प दाब में अपेक्षिक मनमन दे दिया जाता है, तो डेल्टा पी को हम काम में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, अवयव ए लिया था, क्या लिया था, अवयव ए लिया था, और वो क्या था हमारा, विलय था, अवयव ए विलय था। उसके लिए मोल भिन्न होगी, वो ऐसे हो जाएगी ना, एक्स ए बराबर एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी, पहले ही निकाल चुके हम, और अवयव बी के लिए निकालेंगे तो अवयव बी क्या था हमारा, विलायक था, है ना, विलायक था, उसकी मोल भिन्न हम ज्ञात करेंगे तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी। ये मैं मोल फ्रैक्शन में आपको करवा चुकी हूँ, या मोल भिन्न जब करवाई थी मैंने करवा दी थी आपको। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स ए आ गया, और इस एक्स ए का मान हम क्या करेंगे, इक्वेशन दो में रखेंगे, तो इक्वेशन दो से, तो इक्वेशन दो में मान रखेंगे पी बी नोट माइनस पी एस बटा में पी बी नोट बराबर एक्स ए की जगह एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी, ये रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को तनु विलयनों पर लागू करते हैं, तनु विलयनों पर लागू करने पर, और जो तनु विलयन होते हैं उसके अंदर विलय की मात्रा बहुत कम होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो विलय की मात्रा कम है तो इसका मतलब विलय के लिए क्या है, एन ए एन ए है, ठीक है, और विलायक के लिए एन बी और एन बी है, तो यहाँ इन दोनों में से एन बी एन ए को बहुत बहुत कम मान लेंगे एन बी से, तो एन ए को यहाँ छोड़ देंगे तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी पी बी नोट माइनस पी एस बटा में पी बी नोट बराबर क्या जाएगा एन ए बटा में एन बी, क्या जाएगा एन ए बटा में एन बी। एन ए जो है वो क्या है, विलय के मोल, इसका मतलब इसको ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, विलय की ग्राम में मात्रा लेंगे और बटा में विलय का आणविक द्रव्यमान, ऐसे ज्ञात करते हैं हम आणविक द्रव्यमान। तो जब हम विलय के ग्राम में मात्रा लेंगे तो W से शो करेंगे, A के लिए तो W A हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी एम ए, मोलिकुलर वेट को M से नोट करते हैं, तो N बराबर क्या होता है W बटा में एम ए होता है, मोल को ज्ञात करते हैं पहले कर चुके हैं हम, तो विलय की ग्राम में। अब देखिए एन बी किसके लिए होता है, विलायक के लिए होता है, किसके लिए होता है, विलायक के मोल, और विलायक के मोल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर विलायक की ग्राम में मात्रा बटा में विलायक का आणविक द्रव्यमान ये ले लेंगे, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटा में क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा, तो इस इक्वेशन के अंदर हम मान रखेंगे तो पी बी नोट माइनस पी एस बटा में पी बी नोट बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बटा में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी बटा में एम बी, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अगर इसको वाष्प दाब के अपेक्षिक मनमन के रूप में लिखेंगे तो हम इस इक्वेशन को डेल्टा पी बटा में पी बी नोट बराबर डब्ल्यू ए बटा में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी बटा में एम बी, इस तरीके से हम इन दोनों इक्वेशन के द्वारा किसी भी विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो वाष्प दाब में अपेक्षिक मनमन था, जिसके अंदर हमने विलय ए और बी लिया, इन दोनों को मिलाया, विलयन बनाया, विलय का वाष्प दाब पी बी नोट था और विलयन का वाष्प दाब पी एस था, तो विलय का जो वाष्प दाब था वो अधिक था और विलयन का वाष्प दाब कम था। फिर हमने क्या किया,
जो विलियन का जो बाष्प दाब था उसको विलाय की मोल बिन के समानुपाती किया, समानुपाती का निशान हटाया तो पी बी नोट एक्स बी आ गया इक्वेशन एक से। एक्स बी का मान बन माइनस एक्स ए रखेंगे, ये रख दिया हमने। फिर उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई के अंदर, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ ले आए तो एक्स ए के बराबर आ गया। बाष्प दाब में अपेक्षी का मनमन ज्ञात करेंगे तो इस इक्वेशन को ऐसे बना सकते हैं। फिर ए अवयव की मोल बिन और बी अवयव की मोल बिन हमने ज्ञात की और ये इक्वेशन प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स ए का मान रख दिया। फिर तन्नो विलियनों पर अगर लागू करेंगे तो एन ए को एन बी की तुलना में बहुत कम मानने पर एन ए को यहाँ छोड़ देते हैं तो एन ए बटा में एन बी आ जाएगा, और एन ए विलय के मोल है, विलय की ग्राम में मात्रा बटा में विलय का आणविक द्रव्यमान डब्लू बटा एम ए से शो करेंगे, और एन बी के लिए डब्लू बी बटा में एम बी हो जाएगा, और ये दोनों मान यहाँ रख देंगे। ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई जिसके अंदर विलय का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय की ग्राम में मात्रा और विलय का आणविक द्रव्यमान, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना पड़ेगा न्यूमेरिकल जो आएगा उसके अंदर ऐसे दिया होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो यहाँ पर जो W है, A है, वो किसको शो कर रहा है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ग्राम में, वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई मिलती है हमें, जैसे दिया है 5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे दिया हो मान लो, या फिर ऐसे दिया हो कोई पदार्थ 5 ग्राम 80 ग्राम या 80 ml जल में घुलाओ, कैसे दिया हो जी। और एम ए जो है वो विलय का आणविक द्रव्यमान है, क्या है, आणविक द्रव्यमान है। फिर डब्लू बी क्या है, विलायक की मात्रा है ग्राम में, और फिर एम बी क्या है, विलायक का आणविक द्रव्यमान। पी एस जो है वो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है, और जो पी बी नोट है वो क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको विलयन का वाष्प दाब दिया होगा, ये भी दिया होगा, और वाटर की मात्रा दी होगी या फिर विलायक की मात्रा दी होगी। विलायक बताया होगा कि भी वाटर लिया है या CCl4 लिया है, कुछ भी लिया है तो उसका हम मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ की मात्रा दी होगी और ये नहीं दिया हुआ मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमने उस विलय के अंदर कौन सा विलय पदार्थ घोला था। तो ये था हमारा वाष्प दाब में अपेक्षी का मनमन। हम आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।